मित्रों नमस्कार, मैं संजय पथ की स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। आप मेरे को कब यश मिलेगा ये सोचने में, भगवान मुझे कब दिखेगा ऐसा सोच के पूजा अगर करते हो तो वैसे भी दिखने वाला नहीं और वैसे भी नहीं दिखने वाला, लेकिन ध्यान भी आपका उसमें नहीं रहेगा कि भगवान को ढूंढने में लगे हुए, भगवान की सेवा करने में अगर लगे हो तो भगवान अपने आप अंदर से ही अनुभूति देगा कि हाँ मैं हूं। आप संगीत मुझे गाना कब आएगा ये सोचने में अगर गाना सीखने के लिए टाइम दे रहे हो तो गाना वाना छोड़ो, कुछ भी नहीं आएगा। आप उसके साथ में समर्पित भावनाओं से बह जाओ, वहां पे वो अपने आप अंदर कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और जो इसको जुनून सवार होता है ना, उसको आज सोमवार है या मंगलवार है या 3 बजे या 4 बजे कुछ नहीं मालूम पड़ता है, वो उसी के अंदर रहता है और वही दिखता है और वही कुछ तो भी चमत्कार कर पाते हैं। जो दिन रात अंदर के की मुझे अंदर बैठे रहते थे, घर के अंदर बड़े आर्टिस्ट थे, अंदर बैठे बाहर ही निकल रहे, बाल बड़े हुए ऐसे वैसे ऐसे, कोई चिंता नहीं, खाने के लिए कोई लाया तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो पड़े रहेंगे, लेकिन आर्टिस्ट बनकर निकल क्या आएगा। सोच कनेक्टिविटी लगी रहती है वहाँ पे। आपकी कभी सुरों के साथ में कनेक्टिविटी हुई ही नहीं तो आप असरदार गाना कैसे गाओगे। तो आपको एक चीज जरूर करना है कि जब आपका बच्चा जवानी के मोड़ पे आने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उसकी आवाज में जो बदलाव आते हैं आपको वो बदलाव को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है। उस वक्त आपने क्या करना है, अवरोही रियाज करना है और अवरोही के बाद में समारोही रियाज करना है। अब समारोही रियाज ये कौन सा है सर? देखो, एक आरोह होता है एक अवरोह होता है, एक आरोह होता है एक अवरोह होता है, एक आरोहात्मक अवरोह होता है एक अवरोहात्मक आरोह होता है और एक होता है समारोह होता है। समारोह मतलब फंक्शन नहीं, समारोह, समारोहावरोह ऐसी एक चीज है। तो उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूं नवजीवन। अब नवजीवन को पलटाओ, अब नवजीवन को अगर शब्द है तो आप बोलेंगे नवजीवन, इसको नवजीवन ऐसे सारे गरे सा, इसको पलटाओ सारे गरे सा। अच्छा मुझे बताओ अब सारे गरे सा में आरोह कौन सा और अवरोह कौन सा है? बोले यार ये तो कुछ भी नहीं है, एक टुकड़ा है। हाँ टुकड़ा है, पर इसमें आधा आरोह है आधा अवरोह है, एक सेंटर में एक सुर बैठा है वो काम करता है इधर का उधर का जोड़ने का। सारे ये आरोह हो गया, दो सुर, एक पांव से दूसरे पांव आगे बढ़ गया आरोह हो गया, दूसरे पांव से एक पांव पीछे आ गया अवरोह हो गया। तो सारे ये आरोह हो गया और रेसा ये अवरोह हो गया, तो सारे ग रेसा। अब इसमें तो पता नहीं यार नरोवा कुंजरोवा, ये तो आरोह भी है अवरोह भी है, इट्स कॉल्ड समारोह, समारोहावरोह समारोह। अब ये जो चीज है ये अपने बच्चे को रोज सुबह आधा पौन घंटा प्रातः काल में उठ के, अब प्रातः काल कौन सा सर, 3:30 बजे उठे 4 बजे उठे 5 बजे ये मत पूछिए। जब बच्चा नॉर्मली एक टाइम है कि 6:30 बजे बच्चा उठता है, स्कूलें भी आज 7 बजे होती है तो बच्चा उठ ही जाता है। उठने के पहले अब आधा घंटा थोड़ा और अर्ली उठाइए उसे, उसको बोला कि भैया ये रियाज करो, तुमको पाना चाहते हो कुछ कुछ मिलाना चाहते हो आगे चल के तो ये चीज आपको करना जरूरी। तो प म ग रे सा नी ध प, एक प म म ग ग रे रे सा सा नी नी ध ध प, दूसरा प म ग म ग रे ग रे सा रे सा नी ध नी ध प, प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नी ध प। ऐसी अवरोही रियाज आप उसे करवा लीजिए, ये पहले नोटेशन ही करवा लीजिए, कुछ ना कुछ गले के साथ में फंक्शनिंग होना चाहिए सुबह उठने के बाद में, क्योंकि बॉडी जो है वो उठने के बाद में तो बिल्कुल रिलैक्स रहती है और पहले जहां फ्लो आएगा वो चीज आपके ब्रेन में दिन भर काम करते रहेगी। आपने सुना होगा कि सुबह नींद में आपने कोई गाना सुना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब निकले आप नहाने वाने चले गए, डर डर ना 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 ना,
आवाज आती है जी, सुनती हो जी, ना। जब तक आप सोते नहीं हो फिर से, तब तक आपके दिमाग में 50 बार तो ये सुबह सुबह जो सुनिए ना वो ट्यून, वो आएगी आएगी। अब ये आपने डिलीवरेटली किया था, जानबूझ के किया था कि नहीं नहीं मुझे यही गाना गाना है, ऐसा सोच के आप ये बार बार ट्यून दोहराते हो क्या, गुनगुनाते हो? नहीं, नेचर आपके आत्मा से मिलता है और वो चीज़ अपने आप बाहर आती है। यानी अपने आप बाहर आने वाली चीज़, अपने आप मतलब सूझने वाली चीज़ नेचर देता है। तो आप उसी वक्त को क्यों नहीं पकड़ लेते हो? ब्रह्म मुहूर्त वगैरह बोलता है, मैं सब चीज़ ठीक है, लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त है, यह होता है वो होता है, मैं मानता हूँ कि आपने एक निश्चय किया है कि प्रातः काल में साउंड जितना एकदम क्लियर हो जाता है उतना क्लियर नहीं रहता, बॉडी भी भले रिलैक्स में रहती है, जो भी पहले ब्लड फंक्शन जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जहाँ से शुरू हो जाता है वो चीज़ ज़्यादा असरदार होती है, और आपके माइंड में कुछ नहीं रहता ब्लैंक रहने के बाद में, जो पहले हैमरिंग होगा वो असर करता है, और इसका उदाहरण मैंने आपको बताया है। अब यही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको हमने प्रॉपरली रियाज के साथ में, जो बच्चा बढ़ रहा है और गले के कंठ के इससे परेशान है, उसको इस चीज में अवरोही रियाज पहले करवाओ, बाद में उसी रियाज को जो उतरे हो उसी हिसाब से ऊपर चढ़ाना है, उसको अवरोहात्मक आरोह कहते हैं। और मैं दावे से कहता हूं, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मेरा रिसर्च इसके ऊपर 30-35 सालों से चलता आ रहा है, रात में मैं सोता भी नहीं, बेवकूफ जैसा उठ जाता हूं कि अरे यार ये क्या चल रहा है दिमाग में, जब तक उसमें पूरा होता नहीं तब तक मेरे को नींद ही नहीं आती है। अब वो सब है तो है, जो है वो है, उसमें क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी चीज है वो अपने अगर फायदे में, वो ऊपर वाला तुम्हारी नेचर या कोई गॉड तुम्हारे लिए अंदर वो डाल रहा है और तुमको उस चीज के लिए परेशान कर रहा है, वो तुमको जगा रहा है, तुम करो, तुम उठो, तुम आओ सामने, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो, वो तुमको बिना बोले सब बता रहा है और करवा ले रहा है। हम लोग उसको निग्लेक्ट करेंगे, अरे यार जान दो यार कर रहा है, देर हो गया सो गया मैं, ये क्या है? तो फिर सपना भी देखने का हक नहीं है तुमको कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा करके, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा, और जब खो जाओगे तो खोजने से खुदा नहीं मिलेगा, खो जाने से खुदा मिलेगा, तो आपको खोना ही है खुद को उसमें, जब तक खोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं।